नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक बुध देव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इसका मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। देखिए, 10 मई 2024 को बुधदेव मीन राशि यानी आपकी राशि से निकलकर मंगल से प्रभावित मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 31 मई 2024 तक बुधदेव मेष राशि में संचरण करने वाले हैं। बुध के इस राशि परिवर्तन से सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है। इसका मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। मीन राशि वाले जातकों, बुध आपके वैवाहिक भाव और आपके सुख भाव के स्वामी माने जाते हैं, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता दे सकते हैं और कहां पर आपको जीवन में सावधान रहना है। बुध के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, ज्योतिष में बुध को युवराज का दर्जा प्राप्त है और बुध को एक प्रभावशाली ग्रह भी माना जाता है। बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद शैली, गणित, चतुराई और ननिहाल पक्ष का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर बुध का ही आधिपत्य होता है। कुंडली पर बुध अगर प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो जीवन में कई प्रकार की सफलता मिलती है। करियर के मामले में उन्नति, व्यापारिक जीवन में सफलता और बुध के अनुकूल होने पर कई स्रोतों से धन लाभ जीवन में होता है। और यही बुध अगर कमजोर अवस्था में विराजित हो, शिक्षा को प्रभावित करते हैं, याददाश्त क्षमता काफी कमजोर हो जाती है और बुध के कमजोर होने पर जीवन में लगातार प्रयास करने के बावजूद भी कर्जों का सामना जीवन में ज्यादा करना पड़ता है तथा बुध के कमजोर होने पर छोटे भाई बहनों के साथ जो रिलेशन है काफी कमजोर बने रहते हैं, यानी रिश्ते काफी खराब रहते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, आप इसे इसी आधार पर देखें। मीन राशि वाले जातकों, बुधदेव आपकी राशि में 10 मई 2024 को आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव में गोचर करने वाले हैं। इस परिवर्तन से मीन राशि वाले जातकों को कई प्रकार का सकारात्मक प्रभाव मिलने वाला है। सबसे पहले तो मीन राशि वाले जातकों के वाणी में और व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ने वाला है। कर्म क्षेत्र के मामले में आप अपने वाणी के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा अपनी अलग छाप बनाने में सफल रहने वाले हैं। मीन राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में बुध जनित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे यदि आप मार्केटिंग, सेल्स, एजुकेशन, बैंकिंग सेक्टर, लेखांकन, पत्रकारिता, जज या वर्तमान समय में कंसल्टेंसी का काम करते हैं, इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों को शुभता और सफलता मिलने वाली है। बुध की कृपा से वैवाहिक जीवन आपका काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि बुध आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं और वर्तमान में अनुकूल अवस्था में विराजित हैं। तो पिछले समय से यदि आपका वैवाहिक जीवन काफी नेगेटिव बना हुआ था, तो इस समयावधि में आपके वैवाहिक जीवन में काफी सकारात्मकता आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और इस समयावधि में आपके अंदर जो है आवेग भी काफी ज्यादा रहेगा, यानी ऊर्जा शक्ति आपकी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। बुध गोचर इस समयावधि में आपके जीवन में बेकार के खर्चे भी करवाने वाला है, इसलिए लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए। वर्तमान में जो बुध की अवस्था है आपके द्वितीय भाव पर है और आपके द्वितीय भाव पर नीच दृष्टि शनि महाराज की पड़ने वाली है, तो धन का जो संचय है आपके जीवन में कम होने वाला है। तो यहां पर आपको शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे चीजों में यदि आप निवेश करते हैं, इन सभी चीजों में आपको धन का निवेश नहीं करना चाहिए।
तथा मीन राशि वाले जातकों को भविष्य में आपका आर्थिक संबंध में गड़बड़ ना हो, इसके लिए धन का सोच विचार कर व्यय करने की आवश्यकता रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मीन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जप करना काफी शुभ रहने वाला है। मीन राशि वाले जातकों, गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी बुध की अवस्था आपके लिए सकारात्मक बनने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मीन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर गुजरे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।